गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेस काला हो जाता है, टैनिंग हो जाती है और ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे ऐसा फेशियल जिससे ग्लो भी आएगा, टैनिंग भी हटेगी। हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हों, खुश। ताजी एलोवेरा की पत्तियाँ लेंगे, उससे हम जेल निकाल लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमें स्मूथ जेल मिल जाएगा। मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। फेशियल का पहला स्टेप होता है क्लिंजिंग। उसके लिए एलोवेरा लीफ ले लेंगे, उसको चाकू से जेल को कट कर लेंगे, उसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और उसको अपनी फेस पर 2 मिनट तक रब करेंगे। मिल्क हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे मिल्क ऐड कर सकते हैं। रब करने के बाद 2 मिनट छोड़ेंगे, फिर वॉश कर देंगे। ग्लो तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आएगा, एक ही स्टेप में स्किन पे चमक आ जाए। दूसरा स्टेप है स्क्रब। तो एलोवेरा जेल ले लेंगे और बेसन हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है और ऑरेंज पील, दही, ये दोनों मिलके जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड हैं उनको निकालता है। ऑलिव ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। 4 से 5 मिनट तक हमें स्क्रब करना है, आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर भी हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा होम मेड है तो कोई नुकसान नहीं है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकलेंगे, डेड स्किन निकलेगी, ग्लो आपको पहली बार में ही दिखेगा, चमक दिखेगा, साइन दिखेगा। तीसरा स्टेप है मसाज। तो एलोवेरा जेल ले लिया, जो कि हमारा इस फेशियल का हीरो है, और उसमें हमने ऐड किया है मिल्क पाउडर, दही, 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, पिंच भर टर्मरिक यूज़ की है। टर्मरिक इन्फेक्शन, एक्ने, पिंपल उनको रिड्यूस करेगा। दही और मिल्क पाउडर हमारी स्किन को वाइट करेगा, टाइट करेगा। 7 से 8 मिनट कम से कम मसाज करेंगे, क्योंकि फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मसाज है। इससे हमारे फेस पे साइन आता है और हमारी स्किन टाइट होती है। धीरे धीरे हल्के हाथों से, जैसे मैंने मसाज किया है वैसे ही आपको मसाज करनी है, टैनिंग भी हटेगी, ग्लो भी आएगा। फेशियल का लास्ट स्टेप है पैक। एलोवेरा जेल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही और चावल का आटा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। चावल का आटा हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। तो पूरे फेस पे हम इसको लगा लेंगे और 20 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। अब आप रिजल्ट सामने देखिए, बहुत ही अमेजिंग आए हैं। स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है। इसके बाद क्रीम लगा लें जो केमिकल फ्री हो। मैंने होम मेड क्रीम लगाई है जो मैंने खुद बनाई है। मेरे कहने से इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करें, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। 15 दिन में एक बार इस फेशियल को करना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके, बाय।